अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आज आप लोगों का भाई ना खा रहा है बर्गर, अंडे वाला बर्गर, टिक्की वाला बर्गर, कोई भी बर्गर जो होता है ना, वो यहाँ पे ना मुझे नज़र आया तो मैंने सोचा यहाँ पे रोड पे बैठ के ना खा लेते हैं। घर जा रहा था तो भूख लगी थी, दोपहर को ना मैंने थोड़ा लिटिल बिट खाया, उसके बाद यहाँ पर मुझे नज़र आया तो मैं आज बर्गर भी खाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा भी। और जो फास्ट फूड जो है ना पाकिस्तान में अमूमन जो रोड्स के ऊपर ठेले वगैरह लगा के इंडिया में और पाकिस्तान में इस तरह की चल रहा होता सीन, तो वो वाला आज बर्गर आप लोगों का भाई मैं भी थोड़ा सा ना दिखाता हूँ वहाँ पे जाके तो किस तरह बनाते हैं, क्या सीन है। तो अभी चलते हैं टूवर्ड्स जो है ना बर्गर। ये है जी बर्गर तो बन रहे हैं, तो अभी दिखाते हैं। ले जी अपना बर्गर तैयार हो रहा है, ये देखिए भाई साहब बना रहे हैं, तो मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा सा बोल भी लेते हैं आप लोगों को। देखिए ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे इस जगह पे, तो इस वजह से ये देखिए कितने दो चार छः सात बर्गर एक जो है ना एक टाइम पे ये बनाएंगे। ये देखिए भाई साहब चिकन देखे इस तरह बनता है, और बर्गर बाकी सिंपल जो बर्गर हैं वो वाले ये है। तो रोशनी की वजह से थोड़ा सा ना ये देखिए ये चिकन का सामान है, ऐसे जैसे लकड़ी खुशक की होती है ये पैटी बर्गर, और वो सिंपल बर्गर और साथ में चिकन बर्गर, ये वाला चिकन बर्गर तैयार हो रहा है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका टेस्ट सुना हुआ, आज मैं फ़र्स्ट टाइम इनका टेस्ट चेक करूंगा और खा के तो फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा भी कि क्या सीन बन रहा है यहाँ पे। दूसरी साइड पे मैं जाता हूँ, ये वाली सारी जगह यहाँ पे फैमिलीज और काफ़ी लोग यहाँ पे आके बैठते हैं, और जीटी रोड का ये मंजर है, और यहाँ पे रोशनी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। ये देखिए साथ में ये सारा जीटी रोड, और ये शूज़ वगैरह लगे हुए हैं, झंडे वगैरह लगे हुए हैं। तो ये है जी फूड स्ट्रीट, जो गली मोहल्लों की स्ट्रीट्स होती हैं उनके ऊपर जो लगा के बेच रहे होते हैं। आप लोगों के भाई का बर्गर हो चुका है तैयार, तो अभी आप लोगों का भाई खाएगा टेस्ट करेगा तो फिर आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह का टेस्ट है। पहली दफ़ा खा रहा हूँ, नज़र आया तो मैंने सोचा इसको खाते हैं और साथ में इसका ब्लॉग बनाते हैं और टेस्ट आप लोगों से भी शेयर। मेरा बर्गर आ गया है, साथ में केचप और चटनी या सारा कुछ इसके अंदर है, ये चिकन वाला है, और अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ, खाता हूँ फिर दिखाता हूँ आप लोगों को अपना फेस। टेस्ट तो ओवरऑल मस्त है इनका, लेकिन अब मैं खाऊंगा और खा के फिर आप लोगों से मज़ीद शेयर करूंगा। अब मुझे इतना जो है ना भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, वेट नहीं हो रहा। ये था आज का भी ब्लॉग, उम्मीद है कि आप लोगों को ब्लॉग तो अच्छा लगा होगा, मुझे तो टेस्ट अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसकी वजह से मैंने खा भी लिया और आप लोगों से ब्लॉग बना के शेयर भी कर लिया। और जो बर्गर होता है ना जिंगर, जो दूसरे बर्गर होते हैं उसके अलावा ये वाला बर्गर किस किस का फेवरेट है आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। और दूसरा ये कि मैं यहाँ से अब जाऊँगा घर, सामने बर्गर वाला इसको देने हैं पैसे भी तो दे देना ऑब्वियसली, तो जो है ना ठंडी बोतल तो मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन यह है कि फिर जब बंदे को भूख लगी होती है ना फिर बर्दाश्त नहीं होता, तो बर्गर भी खा लिया बोतल पी के यहाँ से मैं निकलता हूँ घर को वापस। ये था आज का ब्लॉग, आज की रूटीन, सारा दिन ब्लॉग शूट नहीं किया, आज मैं अभी खाने लगा था तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं खाने लगा हूँ, यहाँ पे कभी मैंने खाया नहीं है, तो इसका ब्लॉग आप लोगों से मैं बना के करता हूँ शेयर। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने भाई को, चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें।